दिन भर गोरखपुर के सर्किट हाउस पहुंचे केंद्रीय मंत्री व आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद बाबा गंभीरनाथ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में शिरकत कर पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार के साथ मिलकर हम प्रदेश में आगामी विधानसभा में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां हमारी दावेदारी मजबूत होगी। हम सीट वहीं से मांगेंगे। इसके बारे में हमारे माननीय जेपी नड्डा जी जो प्रदेश ऑल इंडिया के अध्यक्ष है बीजेपी के, उनके साथ बात हुई है। कल मैंने माननीय अमित शाह जी जो बीजेपी के सीनियर लीडर भी है, होम मिनिस्टर भी है, उनके साथ मैंने बात किया है कि भाई रिपब्लिकन पार्टी को साथ में रखेगी तो बहुजन समाज पार्टी का भारी नुकसान हो सकता है और उसमें बीजेपी का अच्छा फायदा हो सकता है। दलित वोट जो है ये अच्छी संख्या में आरपीआई की तरफ आ सकता है। तो उन्होंने बोला है कि ठीक बात है, तुम्हारे प्रस्ताव पर जरूर विचार करेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में अगर आरपीआई बीजेपी के साथ रहती है तो लोगों का हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और डैशिंगली काम करने वाले मुख्यमंत्री के माध्यम से उनका नाम है। कोरोना के कार्यकाल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारे गरीब लोगों को अनाज बांटने का भी काम हुआ, दवा बांटने का भी काम हुआ, रेमडेसिविर देने का भी काम हुआ, उनको एडमिशन देने का भी काम हुआ और बहुत सारी मदद उनके माध्यम से हुई। और आज उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है लेकिन रोज़ 100-200 से अंदर के साथी है। तो एक बहुत ही अच्छा काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और कोरोना यहाँ वहीं से खत्म हो रहा है। तो एक अच्छी बात है कि कोरोना के कार्यकाल में उन्होंने अच्छा काम किया है। जो गरीब लोग है, भूमिहीन लोग है, ऐसे लोगों को जमीन का पट्टा देने का भी काम उनके माध्यम से हुआ है। लेकिन आरपीआई की एक मांग है कि गांव गांव में जो फैमिली लैंडलेस है, जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, और इसीलिए मतलब गांव के लोग गांव में ही रहे, इसी तरह का एक प्लान जो है ये करना चाहिए। तो एक आरपीआई की मांग है कि भाई हर फैमिली को 5 एकड़ जमीन मिलनी चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी का मुख्य मिशन ये है कि समाज जोड़ो, जातिवाद तोड़ो और समाज जोड़ो, ये रिपब्लिकन पार्टी का मिशन है। और बाबा साहब अंबेडकर जी ने राम मनोहर लोहिया जी को एक पत्र लिखा था और उसमें बाबा साहब ने इच्छा व्यक्त की थी कि कांग्रेस के खिलाफ एक ही पार्टी होनी चाहिए, उसका नाम रिपब्लिकन पार्टी हो।